हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चेतना की दुनिया। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं रेडी होके नोएडा, और नोएडा हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे मैंने बताया था मेरे देवर जी की बेटी हुई है। तो बस आज वहीं पे नामकरण का है प्रोग्राम और हवन हो गया है। मॉर्निंग में हवन है, नामकरण है और लंच का प्रोग्राम है। तो दीदी को भी हमने ज्वाइन किया और उसके बाद हम लोग चल दिए नोएडा की तरफ। तो देखिए आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था कि मैं ताईजी बन गई हूँ। तो छोटी सी बेबी गर्ल आई है हमारे घर में, और बस नामकरण का घर ही घर में प्रोग्राम है और हम लोगों ने बस जाना है वहाँ पे। तो देखिए बस हम लोग निकल चुके हैं, और काम करते करते ना हो ही जाता है टाइम ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में हवन में तो हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। एक्चुअली क्या होता है ना, दीदी ने भी कोल मार्केट से आना था और दोनों बच्चों का काम, जिया जी का ऑफिस जाना, एक्चुअली कोई भी हॉलीडे डे नहीं है आज। और तो फिर यही था कि बस छुट्टी वाला दिन ना होना तो घर में सारा काम हो जाता है। दीदी भी थोड़ा सा लेट आई, उसके बाद हम लोग भी रेडी हो रहे थे। और बनी की यहाँ पे पीछे मस्ती चल रही है, राधे राधे कर रहे हैं सब, देखो। तो काफ़ी अब ड्रामे करने लगा है मेरा बेबी, बस इसका थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम चल रही है। और देखिए यहाँ पर बस हम पहुँच गए थे इनकी सोसाइटी में, और बस घर में ही है प्रोग्राम, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी देखो वर्षा भी, क्योंकि अकेले ही है, बड़ी नहीं है घर में, कोई मासी वगैरह नहीं है, दोनों दीदी आ जाती हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है, और बस अकेले है तो इसलिए अभी घर घर में कर लिया है फंक्शन। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और देखिए दीदी खड़ी हैं बाहर, और ये हमारी छोटी सी पीहू। तो यहाँ पे सब लोग पहुंच चुके थे, एंड इनकी ताई जी वगैरह जो हैं वो तो सुबह आ चुके थे हवन में। इधर ये हैं मेरे हस्बैंड के मासी के बेटे पुनीत भैया हैं, इधर भैया हैं दूसरे, ये देखिए। तो सब लोग बैठे थे, और यहाँ पर हुआ है हवन की चौकी जो लगी हुई है, सुबह मतलब हवन किया होगा ना यहीं पे बैठ के, वो सब है। अरे कब आए, अभी अभी। तो यहाँ पे हस्बैंड मिल रहे हैं सबसे, देखिए बड़ी सिस्टर्स वगैरह हैं और ताई जी हैं बड़ी। तो बस इन लोगों का हो रहा था जाने का टाइम, काफ़ी लोग दूर से भी आए हैं, और बस यही है कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं ना, तो बस इस चक्कर में सबका आना जाना हो गया था। और छोटा सा एक गेट टुगेदर हो जाता है सबसे, एक दूसरे से मिलना, क्योंकि वैसे देखिए घर से ना कोई भी नहीं निकल पाता है, घर ही घर में लगे रहो सब लोग, कभी बच्चों के एग्ज़ाम है एंड कुछ एंड कुछ, तो बस यही होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, दीदी लंच कर रही हैं और मैं भी। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छा रहा सबसे मिलना, और बस जो हमारी जच्चा और बच्चा हैं दोनों अच्छे हैं, सही हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर। तो बस यही था आज का सेलिब्रेशन, और बस छोटा मोटा सा घर में हवन कर लिया है, क्योंकि अभी देखिए संभालने वाला पीछे से कोई नहीं होता है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गपशप कर रहे थे बैठ के, इधर दीदी बैठी है, इधर मेरी देवरानी है, मैं हूँ, और बनी सो गया था गोद में मेरे। तो बस हम लोग ने थोड़ी सी बैठ के यहाँ पर बातें बातें करी, शिवाय और बच्चे वगैरह देखिए नीचे सोसाइटी में इनके पार्क है, तो बस उसी में यहाँ पर खेलने चले गए थे, क्योंकि बच्चों को ना ऊपर गॉसिपिंग में तो मन लगता नहीं है, और फिर जब सारा काम हो ही चुका था तो मैंने सोचा थोड़ी देर खेलने दिया जाए इनको। तो काशवी और शिवाय बच्चे देखिए अब नीचे खेल रहे थे, और सोसाइटी में यही होता है कि बच्चे अंदर ना थोड़ा सेफ़ रहते हैं और अंदर ही खेलते रहते हैं, बट सोसाइटी का एक अलग लाइफ स्टाइल है, और हम लोग जैसे नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो हम लोगों का अलग लाइफ स्टाइल है, तो हम लोगों को कभी भी शायद सूट नहीं करेगा सोसाइटी वगैरह में रहना, और सोसाइटी वालों को कभी सूट नहीं करेगा इस तरीके से रहना, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है सोसाइटी में जाना भी। और आप लोग भी बताइए, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं या कहाँ रहते हैं। तो देखिए बस अब यहाँ पे हो रहा था हमारा जाना, तो यहाँ पे हमें बच चुके थे 5 से 5:30 का टाइम हो चुका था। भैया यहाँ पे दीदी को दे रहे हैं विदाई, यानी कि बहन बेटियों को दिए जाते हैं कपड़े वगैरह और जो शगन, तो बस दीदी बड़ी है इसलिए उन्होंने यहाँ पे दीदी को शगन वगैरह दिया, और यहाँ पे सबके लिए रिटर्न गिफ्ट्स के कुछ पैक बनाए हुए थे, तो बच्चों के लिए वो थे, उनमें इनके ही क्रैक्स वगैरह हैं और चिप्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, वो थे सब। तो चलिए हमारी हो गई है अब वापस चलने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबको ब्लॉग में कवर किया, और बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद सबसे मिले, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना होता नहीं, अब वर्षा भी करेगी रेस्ट बेबी के साथ, तो अच्छा लगा हमारे बेबी का नामकरण में हम गए। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो आप भी बताइएगा, बहुत छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ करिए, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ न्यू कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।